हरिद्वार में नेता अफसरों की खनक, अस्थि विसर्जन के लिए भी चाहिए वीआईपी प्रोटोकॉल। अस्थि विसर्जन के लिए सिंचाई विभाग में कोई एंट्री नहीं हो रही है। कर्मचारियों पर दबाव डलवाकर वीआईपी प्रोटोकॉल का पालन भी करवाया जा रहा है। इसी वीआईपी घाट पर तैनात कर्मचारियों में संक्रमण फैलने की दहशत बनी हुई है। रुड़की, शव दफना कर लौट रहे एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष ने बरसाई गोलियां, 3 की मौत, 5 हुए घायल। रुड़की के खेड़ी खुर्द गांव में जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। कब्रिस्तान से शव दफना कर लौट रहे एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। उत्तराखंड, कोरोना पर बेअसर हुआ कर्फ्यू का कवच, सख्ती के बाद भी सड़कों पर निकलने से बास नहीं आ रहे हैं लोग। कोविड महामारी की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने संक्रमण प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया है, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उससे कर्फ्यू का कवच अभेद साबित नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड, टिहरी में 3 जगह बादल फटने से मची तबाही, कई संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त, फसलों का भारी नुकसान। गुरुवार देर शाम अनगढ़ तोंग, डोंग नामे तोंग और कैला नामे तोंग में मूसलाधार बारिश के बाद बादल फट गया, जिससे कि बारिश का पानी खेतों में घुस गया। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी हो सकती है बारिश और बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ मौसम विभाग के अनुसार। इसके अलावा शुक्रवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। मैदानी क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। उम्र 55 से कम और अंग्रेजी अच्छी है तो अटल उत्कृष्ट स्कूल के लिए कर सकते हैं आवेदन। यदि आप सरकारी माध्यमिक स्कूल में प्रिंसिपल, लेक्चरर या फिर अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपकी अंग्रेजी अच्छी है और उम्र 55 से कम है तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनाती के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इन स्कूलों में तैनाती के लिए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोरोना काल में कालाबाजारी करते हुए एक सप्ताह के अंदर 9 लोग पहुंचे जेल। ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक औषधियों को कालाबाजारी करने वाले लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे लोगों के तिमारदारों को कई गुना दाम में बेच रहे हैं। दून पुलिस और एसटीएफ ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ कर अस्पताल के मैनेजर समेत 9 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। कोरोना संकट पर बोली सोनिया गांधी, सिस्टम नहीं मोदी सरकार हुई है फेल। देश की मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि प्रणाली विफल नहीं हुई है क्योंकि भारत के पास कई ताकत और संसाधन है। सोनिया गांधी ने वर्चुअल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि मोदी सरकार उन साधनों को रचनात्मक रूप से प्रसारित करने में विफल रही। उत्तराखंड में चलने वाली कई ट्रेनें 9 मई तक हुई रद्द। रेलवे ने दून दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी, जन शताब्दी और नंदा देवी एक्सप्रेस को 9 मई और मसूरी एक्सप्रेस को 10 मई से अगले आदेश तक रद्द करने का निर्णय लिया। ट्रेनों को रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इलाज के नाम पर कोविड मरीज से 88,000 रुपए लेने वाले अस्पताल प्रबंधन पर हुआ केस दर्ज। एक कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज से अधिक शुल्क लेने की शिकायत पर बृहस्पतिवार को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल पर छापा मारा। यहां अस्पताल के रिकॉर्ड में आरोपी की पुष्टि होने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आपदा अधिनियम और रंगदारी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। परवीन अर्शी, राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के लिए।